किसान महासभा है, ये बहुत महत्वपूर्ण महासभा है। इसमें आप अपनी अपनी समस्याएं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इन्होंने अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय वो किसान भाइयों के लिए दिया है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी दीपावली गई है, हम आप सबने अपने अपने घरों में दीपावली मनाई है। ये ऐसी शख्सियत सीतापुर की शान, किसानों की, नौजवानों की जान, इन्होंने जो है दीपावली को धर्मोत्सव मनाने का काम किया है, बहुत बड़े त्याग की बात है। वो किसानों की खातिर अपना कीमती समय हर समय देने के लिए तत्पर रहते हैं। आज भी हमें पता लगा है कि आदरणीय जी लखनऊ से चल करके हम लोगों के बीच में आने का काम किया है। किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, अगों की समस्या, पिछड़ों की समस्या, दलितों की समस्या, नौजवानों की समस्या, जितनी भी जन समस्याएं हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी हर संभव प्रयास करते हैं कि कोई भी समस्या हो उसके लिए जी जान से लग जाते हैं और जहां भी लगते हैं वहां सफलता मिलती है। इनका काम अब आप लोगों के बीच में आए हैं तो आपको दिखेगा। ये उमर सेड़ा गांव का सौभाग्य है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। किसान तो पहले से ही बहुत पीड़ित है, वो कीटनाशक, महंगे कीटनाशक, खाद, बीज, ये महंगाई चरम पे है और छोटे और मझोले किसान जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा गवा देते। क्योंकि जब किसान खेतों में अपने खेतों की रखवाली करता है तो एक नया निर्देश आ गया है साथियों की अब कटीले तार भी नहीं लगा सकता, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, किसान की जो फसलों की दुर्दशा होती है उससे मन बहुत भ्रमित होता है। आज यहाँ पे जो भी सारे लोग आए हुए हैं, हमें लगता है कि पहले वो किसान है उसके बाद में चाहे जो कुछ हो, क्योंकि मूल में किसान है। चाहे अधिकारी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जैसे गन्ना करते ना हम लोग, गन्ना से गुड़ बनता, चीनी बनती है और पेड़ा, बर्फी, मिठाई, सब कुछ जो बना सको सारा उसका जो मूल स्रोत है वो गन्ना है। ऐसे हमारे सब का जो मूल स्रोत सब कुछ है वो किसान है। और जब तक किसान दुखी रहेगा तब तक कैसे प्रदेश खुशहाल रहेगा। जब हमारा किसान खुशहाल होगा, माताएं बहने खुश होगी, तो चाहे होली हो चाहे दिवाली हो तब मनाने का आनंद आएगा।